अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरे रिस्पेक्टेबल एजुकेटर जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में कदम रखा उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट काफ़ी अरसे के बाद देखने को मिली है। हम काफ़ी अरसे से ये सुन रहे थे कि 37,000, 36,000, 15,000 जॉब्स आ रही हैं एजुकेटर की फील्ड में, इतनी वैकेंसी खाली हैं। मेरे अक्सर रिस्पेक्टेबल एजुकेटर बड़ी बेसब्री से इंतज़ार में थे कि ये वैकेंसी कब आ रही है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे तमाम एजुकेटर के लिए, जिन्होंने फाइनली हमारे पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर मराद रास की जानब से अनाउंसमेंट की गई है कि सेकेंड गुड न्यूज़ इज डैट द समरी ऑफ 16,000 जॉब प्लस जॉब्स फॉर एजुकेटर हैज़ बीन साइंड एंड मूव फॉरवर्ड। आई थिंक Thanks a lot that he give us the chance to create the opportunity of our youth. ये अनाउंसमेंट 17 अगस्त को ट्विटर पर अनाउंस की गई। अब क्योंकि कन्फर्मेशन आ चुकी है, इसलिए कहा जा सकता है कि अब ये जॉब कन्फर्म है। अब ये जितनी भी खबरें आ रही थी कि 50,000 जॉब्स आ रही हैं, 37,000 आ रही हैं, उन सब पर 16,000 प्लस एजुकेटर को रखा जाएगा। मज़ीद इंशाल्लाह आज या कल मैं आपके साथ वो नोटिफिकेशन भी जारी करूँगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। ये जॉब्स किस एजेंसी को दी जाएंगी इसकी खबर नहीं मिली, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो की गई है वो लिस्ट जारी कर दी गई है। उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको एक दो दिन में इंशाल्लाह मिल जाएगी, इसी चैनल पर ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा चांस यही है कि ये PPSC के थ्रू यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये वाली जॉब्स आएंगी, तो वो इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। अब ये क्वेश्चन होगा कि कब तक ये जॉब मुतवक्का है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक लगभग एक माह के अंदर इनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि जब जॉब अनाउंस होती हैं तो हर वो जितनी भी एजेंसी होती हैं या जिस एजेंसी को भी वो जॉब्स दी जाती हैं तो उनका इनिशियली प्रोसेस होता है कि वो कंप्लीट होने के बाद अनाउंस हो जाती हैं। पेपर वर्क करना होता है, उन्होंने कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, इनको हैंडल करने के लिए वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। इस वजह से एक माह लग जाएगा इन जॉब्स को आने में। इसके बाद अप्लाई का प्रोसेस क्या होगा, अप्लाई कैसे करेंगे, तमाम तर अपडेट जो होंगी वो आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। और 2 से 3 माह के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अप्लाई करने के बाद प्रोसेस होता है पेपर बनाने का, कितने लोगों ने अप्लाई किया, ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। इस गवर्नमेंट की कोशिश यही होगी कि अगले साल शुरू होने से पहले ये वैकेंसी जो शो की गई है इन पर एजुकेटर पढ़ाना स्टार्ट कर दें, जो एजुकेटर हैं वो इन पर सिक्योर हो सकें, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन से पहले ये जॉब नहीं दी जाती तो फिर इस गवर्नमेंट को इन जॉब्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश यही होगी कि इस प्रोसेस को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए, ख़त्म किया जाए। 2 माह के अंदर तो उम्मीद है कि ऐड जल्द आ जाएगा और अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये वैकेंसी दरअसल 33,000 है, यानी कि 33,000 हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनकी कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कितने डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स आई हुई हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में देंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बता दिया गया है और टोटल भी बता दिया है क्या है, क्योंकि 16,000 प्लस कहा जा रहा है तो ये 33,000 है। दरअसल 60,000 प्लस का मतलब ये है वहाँ पे 33,000 वैकेंसी शो की गई है। अब चूंकि पेपर अनाउंस हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुकी है इसकी जॉब्स आ जाएंगी, आपको थोड़ा वेट करना होगा। टाइम टू टाइम आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे, आप अपनी अच्छे से तैयारी जारी रखिएगा। अप्लाई कैसे करने हैं, क्या रिक्वायरमेंट होंगी, तमाम तरह अपडेट आपको मिलती रहेंगी। रब्बे जुल जलाल तमाम एजुकेटर्स को कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।